इस्लामिक स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में थॉमसलो एल्गोरिदम को स्टडी किया था और आज जो है हम उसी को कुछ एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कंट्रोल डिपेंडेंसीज जो है वो थॉमसलो एल्गोरिदम जो है इतना इफेक्टिवली से हैंडल नहीं करता। तो इसी थॉमसलो एल्गोरिदम को कुछ हम एक्सटेंड करेंगे टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल डिपेंडेंसीज, ठीक है जी। और आज का जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन, ठीक है जी। तो जी बेसिकली स्पेकुलेशन क्या है? टेक्निक टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल डिपेंडेंसीज बाय प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ अ ब्रांच, ठीक है। आपने ब्रांच का आउटकम जो है वो प्रिडिक्ट करना है और स्पेकुलेटिवली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एज इफ प्रिडिक्शंस वर करेक्ट। आप लोगों ने अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते रहने और ये समझ रहे हैं कि आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो ठीक है, ठीक है। लेकिन आपके पास एक फीचर होना चाहिए कि प्रिवेंट एनी इरिवोकेबल एक्शन अंटिल इंस्ट्रक्शन कमिट्स कम्प्लीशन एंड ग्रेजुएशन। जो कमिट्स है इसको हम कम्प्लीशन भी कहते हैं, ग्रेजुएशन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो हमने कुछ ऐसा काम नहीं करना जिसको हम रिवर्स ना कर सकें, इरिवोकेबल एक्शंस जो हैं उनको हमने अवॉइड करना, ठीक है। तो बेसिकली स्पेकुलेशन में ये है कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते रहना है और अगर ब्रांचेस आ रही हैं तो ब्रांचेस को आपने ये समझना कि वो करेक्ट हैं, ठीक है। स्पेकुलेटिवली आपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते रहना है और ये समझना है जी आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो थोड़ी जो ब्रांच है वो टेकन है, हाँ। लेकिन ये है कि इन केस आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग होती है तो फिर आपको ब्रांच पेनल्टी जो है वो फेस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो थॉमसलो एल्गोरिथम के अंदर क्या था? इन ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इश्यूज था, आउट ऑफ ऑर्डर आप एग्जीक्यूशन कर रहे थे और आउट ऑफ ऑर्डर कम्प्लीशन था थॉमसलो एल्गोरिथम में। लेकिन हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में आप ये कह रहे हैं टू अवॉइड बेसिकली रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल डिपेंडेंसीज, आप ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर कम्प्लीशन करें। हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में आपका ये जो लास्ट स्टेप है ये डिफरेंट है। थॉमसलो एल्गोरिथम में आउट ऑफ ऑर्डर कम्प्लीशन थी, लेकिन स्पेकुलेशन के अंदर आप इन ऑर्डर कम्प्लीशन कर रहे हैं और जो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन है स्पेकुलेटिव आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, कम्प्लीशन जो है वो आप इन ऑर्डर कर रहे हैं। थॉमसलो एल्गोरिथम के अंदर हमने आउट ऑफ ऑर्डर कम्प्लीशन की थी, ठीक है जी। ये कम्प्लीशन का वर्ड यूज़ हो रहा है, एग्जीक्यूशन का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा। वो ये जो कम्प्लीशन है इसको हम स्पेकुलेशन की टर्म्स में कमिट का नाम देंगे, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन कमिट करना, कम्प्लीशन और ग्रेजुएशन, लेकिन कॉमनली यूज वर्ड जो है वो कमिट है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन के अंदर आपकी इन ऑर्डर कम्प्लीशन होगी। थॉमसलो एल्गोरिथम में जो हमने लास्ट वीक स्टडी किया था उसमें आउट ऑफ ऑर्डर कम्प्लीशन है, ठीक है जी। क्योंकि क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में, आज के लेक्चर में कहीं पर भी, तो आप मुझे दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको फर्दर देखते हैं हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन को। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस अलोंग प्रिडिक्टेड एग्जीक्यूशन पाथ्स बट ओनली कमिट द रिजल्ट इफ प्रिडिक्शन वाज करेक्ट। आप एग्जीक्यूट करते रहेंगे प्रिडिक्टेड पाथ में आप अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जो कमिट का पार्ट है, कम्प्लीशन का पार्ट है, ठीक है जी, कमिट का पार्ट है, कम्प्लीशन का पार्ट है, वो सिर्फ आप तब करेंगे अगर आपकी प्रिडिक्शन जो है वो करेक्ट होगी। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने इन ऑर्डर इशू किया था, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की थी, और बेसिकली आपके तीन स्टेप्स थे, इशू, एग्जीक्यूट, राइट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका एक नया स्टेप भी होगा, अभी हम देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन कमिट करने का मतलब क्या? अलाउइंग एन इंस्ट्रक्शन टू अपडेट अ रजिस्टर फाइल व्हेन इंस्ट्रक्शन इज नो लॉन्गर स्पेकुलेटिव। इंस्ट्रक्शन कमिट का मतलब यह है कि आप जो रजिस्टर फाइल है आप उसको सिर्फ और सिर्फ तब अपडेट करेंगे जब आपकी इंस्ट्रक्शन कमिट होगी। इंस्ट्रक्शन कमिट से पहले आप अपनी आपकी जो इंस्ट्रक्शन है जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्पेकुलेटिवली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो रजिस्टर फाइल को चेंज नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, अभी आप आगे देखेंगे, ठीक है जी। जब तक आपकी इंस्ट्रक्शन स्पेकुलेटिव नहीं है और वो कमिट होगी तब ही आप रजिस्टर फाइल में अपनी वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे। अदरवाइज आप लोगों को रजिस्टर फाइल, आपकी इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर फाइल अपडेट करना अलाउ नहीं है। इसके लिए हमें एक एडिशनल हार्डवेयर चाहिए जिसको हम नाम देंगे रीऑर्डर बफर का, ठीक है। और ये हार्डवेयर हमें बचाएगा
कुछ ऐसे उन एक्शन से जो रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग स्टेट और टेकिंग इन एग्जीक्यूशन, ये भी हम अभी आगे जाके देखते हैं। तो बेसिकली हम एक नया हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं अपने थॉमसोलो एल्गोरिथम के अंदर, जो हमें उन एक्शन से बचाएगा जो इरिवोकेबल है, रिवर्स नहीं हो सकते। नंबर टू, हमें वो रजिस्टर फाइल अपडेट नहीं करने देगा अनलेस आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो कमिट होती है जी। कोई क्वेश्चन है? और उस हार्डवेयर का नाम है जी रीऑर्डर बफर। रीऑर्डर बफर प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू हैंडल इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस, ठीक है जी। अगर आपकी आप में स्पेकुलेटिवली एग्जीक्यूट करते गए करते गए करते गए, लेकिन आपकी प्रिडिक्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, एक बार याद रखें, अगर ये आप हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन यूज़ कर रहे हैं तो ब्रांच प्रिडिक्शन की जो मिस प्रिडिक्शन है इसकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ब्रांच प्रिडिक्शंस भी ऐसी स्कीम यूज़ करें जिसकी मिस प्रिडिक्शन रेट जो है वो बहुत लो हो, ठीक है। बहुत कम होना चाहिए मिस प्रिडिक्शन रेट आपकी ब्रांच प्रिडिक्शन स्कीम का, अगर आप हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो रीऑर्डर बफर जो है वो इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीऑर्डर बफर में वेट करती हैं अनटिल दे आर नो लॉन्गर स्पेकुलेटिव, ठीक है। जब तक वो स्पेकुलेटिव नहीं है तब तक वो रीऑर्डर बफर में वेट कर रही है। स्पेकुलेटिव इंस्ट्रक्शंस इन आरओपी आर नॉट अलाउड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ प्रोसेसर, रजिस्टर फाइल, मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रीऑर्डर बफर के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपकी प्रोसेसर की स्टेट को नहीं चेंज होने देंगी अनलेस वो कमिट करें। इंस्ट्रक्शंस कमिट जब तक नहीं करेंगी तब तक आपके रजिस्टर फाइल, मेमोरी, प्रोसेसर की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, अलाउ ही नहीं है, ठीक है जी। और ये जो रीऑर्डर बफर है, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए, ये फीफो क्यूब एक तरह से जो इसका वर्किंग ऑर्डर है, इट इज़ अ फीफो क्यूब, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। रीऑर्डर बफर के अंदर होता क्या है? इट होल्ड द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन बिटवीन कम्प्लीशन एंड कमिट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आप ये मेरा ख्याल ये एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, ये मैंने मेरा ख्याल मैंने कम्प्लीशन लिख दिया। बेसिकली ये जो रीऑर्डर बफर है ये आपके ये यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन है बच्चे, ये कम्प्लीशन नहीं है, इट इज़ एग्जीक्यूशन। जो रीऑर्डर बफर है ये आपके रिजल्ट्स को स्टोर कर लेगा बिटवीन, और ये उसको होल्ड करके रखेगा आपके आपके रिजल्ट्स को बिटवीन कम्प्लीशन एंड कमिट, ठीक है। जब आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई और उनका रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया, वो रिजल्ट आपका रजिस्टर फाइल में, मेमोरी में अपडेट नहीं होगा अनलेस आप लोगों की जो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो रीऑर्डर बफर के अंदर हैं वो कमिट करें। तो कम्प्लीशन वो एग्जीक्यूशन और कमिट के दरमियान जो टाइम है उस दौरान ये आपके रिजल्ट्स जो हैं इंस्ट्रक्शंस के वो इस रीऑर्डर बफर के अंदर स्टोर रहते हैं। इस रीऑर्डर बफर की अगेन रिजर्वेशन स्टेशंस की तरह कुछ फील्ड्स हैं। रीऑर्डर बफर की फोर फील्ड्स हैं। नंबर वन, इंस्ट्रक्शन टाइप, किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच है, स्टोर है, अरिथमेटिक है, रजिस्टर ऑपरेशंस हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन फील्ड, कौन सा रजिस्टर है जहाँ पे आपने रिजल्ट को स्टोर करना है, और मेमोरी एड्रेस जहाँ पे आपने मेमोरी में आपने रिजल्ट को स्टोर करना है, तो वहाँ पे मेमोरी एड्रेस जो है वो डेस्टिनेशन फील्ड के अंदर स्टोर होगा। वैल्यू फील्ड, जो आपके रिजल्ट का इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है, आउटपुट वैल्यू, वो इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो इस वैल्यू फील्ड में स्टोर होगा। और रेडी फील्ड, ये बेसिकली एक फ्लैग है और इसको आप स्टेटस फ्लैग भी कह सकते हैं। ये आपको बताता है कि भाई आपका आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो रेडी टू कमिट है कि नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है कि नहीं, और वो रेडी टू कमिट है कि नहीं, ठीक है जी। ये रेडी फील्ड है। और जो आपके रेजोल्यूशन स्टेशन हैं, जो आपने थॉमसोलो एल्गोरिथम में पढ़े थे, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा वार्न कर चुका हूँ, अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो आपने थॉमसोलो एल्गोरिथम में रेजोल्यूशन स्टेशन पढ़े थे उसमें जो आप आइडेंटिफायर यूज़ करते थे, आप यहाँ पे इस हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में वो आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करेंगे, जो मल्ट वन, एड वन, आपने इस तरह के मल्टी मल्टी आइडेंटिफायर्स यूज़ किए थे रिजर्वेशन स्टेशन के। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑपरेंट सोर्स इज नाउ रीऑर्डर बफर इंस्टेड ऑफ फंक्शनल यूनिट। आप रीऑर्डर बफर का जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिफायर्स हैं, वो आप रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर यूज़ करेंगे, आप रिजर्वेशन स्टेशन के आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे, जब हम इसको आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये किस तरह हम रिजर्वेशन स्टेशन किस तरह मॉडिफाई हुआ हुआ है। इसी तरह रजिस्टर फाइल के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन हुई हैं, वो आप अभी आके देखेंगे, ठीक है जी।
ये आपका रीऑर्डर बफर है, इट इज अ क्यू, ठीक है जी। ये आपका हेड है और ये टेल है। यस जी पूछे सर, लास्ट साइड में आपने कहा था कि कॉमेट और कॉम्पलीशन एक ही चीज़ है, लेकिन लास्ट साइड में जब डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें तो उन्होंने डिफरेंट कहा होगा, मतलब उन्होंने कहा है कि वो एक स्टेज होगी कॉम्पलीशन और कॉमेट के दरमियान। ये यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, तो ये तो एक ही पॉइंट नहीं है कॉम्पलीशन और कॉमेट। नहीं, यस यस, यही मैंने आपको अभी शायद मिस कर गई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा है यहाँ पे कम्प्लीशन नहीं है, बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूशन का वर्ड है, ये मैंने गलती की हुई है। ये मैं आपको, यस आपको मैं अभी पहले, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ कम्प्लीशन ही, यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूशन है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कम्प्लीशन है, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन जो है वो कम्प्लीट, जब फंक्शनल यूनिट आपका रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो रही है। और ये कमिट, ये अभी अभी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीशन का वर्ड यस कन्फ्यूजिंग है, ये मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यस ये बेसिकली इसको इसको एग्जीक्यूशन का वर्ड ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। मैं अभी ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आप सही कह रही हैं, ये यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है, और मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन का वर्ड इज़ बेटर, ठीक है। एग्जीक्यूशन कम्प्लीशन एंड कमिट, ठीक है। जब आपका फंक्शनल यूनिट एडर और मल्टीप्लायर्स, जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, जब वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेंगे तो वो इस रीऑर्डर बफर के अंदर स्टोर हो जाएंगे, होल्ड होंगे आपके रिजल्ट्स अनटिल आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो कमिट करें, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया सबको? हाँ जी सर। ओके गुड, ओके जी। ये आपका रीऑर्डर बफर है, इसमें एक टेल है और एक हेड है, और अगेन आप फीफो क्यू है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में हेड के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होंगी वो बेसिकली आपकी ओल्डेस्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी, और टेल के करीब जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपकी न्यूएस्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है जी। और ये आपका प्रोग्राम ऑर्डर है, बेसिकली न्यू ओल्डेस्ट इंस्ट्रक्शंस आपकी पहले एग्जीक्यूट होंगी, और सॉरी एग्जीक्यूशन ही कम्प्लीशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन अलाउड है, ठीक है। ये स्पेकुलेशन में, थॉमस सोलो एल्गोरिथम में आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन अलाउड है, जो कमीशन का पार्ट है, कमिट का पार्ट है, वो इन ऑर्डर होगा। तो ओल्डेस्ट इंस्ट्रक्शन पहले कमिट करेंगी और न्यूएस्ट इंस्ट्रक्शन जो हैं बाद में करेंगी, ठीक है। इन ऑर्डर कमिट का पार्ट होगा, ठीक है। ये प्रोग्राम ऑर्डर है, ये सिंपल सा क्यू है, ठीक है। और ये फोर फील्ड्स हैं, अगेन थॉमस सोलो एल्गोरिथम के अंदर ये तीन स्टेप्स थे, इशू, एग्जीक्यूट, राइट रिजल्ट, जबकि हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन के अंदर ये नया एडिशनल स्टेप है कमिट का, ठीक है। ये इशू, एग्जीक्यूट, राइट रिजल्ट, ये बिल्कुल उसी तरह ही हैं जो हमने थॉमस सोलो एल्गोरिथम में पढ़े थे। इनमें इनको अभी हम दोबारा देख लेते हैं। बेसिकली इशू के अंदर क्या होगा, आपकी जो इंस्ट्रक्शन है आप रिजर्वेशन स्टेशन में और रीऑर्डर बफर में, दोनों में एलोकेट कर देंगे इंस्ट्रक्शन को, दोनों चीज़ें एलोकेट कर देंगे, रिजर्वेशन स्टेशन भी एलोकेट हो जाएगा, रीऑर्डर बफर भी एलोकेट हो जाएगा, आपकी इंस्ट्रक्शन इन दोनों के अंदर चली जाएगी, ठीक है जी। थॉमस सोलो एल्गोरिथम के अंदर ये रीऑर्डर बफर मिसिंग था, तो इशू स्टेज में क्या होगा, आपकी इंस्ट्रक्शन रिजर्वेशन स्टेशन और रीऑर्डर बफर दोनों में चली जाएंगी, और अगर आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं तो वो भी रीड हो जाएंगे और रिजर्वेशन स्टेशन और रीऑर्डर बफर के अंदर अवेलेबल होंगे, अगर ऑपरेंड्स रजिस्टर फाइल में अवेलेबल हैं। अगर नहीं अवेलेबल तो उनका वेट किया जाएगा, बिल्कुल थॉमस सोलो एल्गोरिथम की तरह। एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होगा, बिगिन एग्जीक्यूशन व्हेन ऑपरेंड वैल्यूज आर अवेलेबल, ठीक है, बिल्कुल थॉमस सोलो एल्गोरिथम की तरह, जब आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं तो आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, अपने आपके जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी यही होगा, अगर आपके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, जैसे ही अवेलेबल होंगे आप उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। नंबर थ्री, राइट रिजल्ट, अपने जो रिजल्ट्स हैं वो आप कॉमन डेटा बस के ऊपर राइट कर देंगे, ताकि वहाँ से जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे चला जाए, लेकिन जहाँ पे आप रीऑर्डर बफर का जो टैग्स हैं, जो आइडेंटिफायर्स हैं, वो भी आप कॉमन डेटा बस के ऊपर राइट करेंगे, ताकि जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप वैल्यू जो है वो लिखी जा सके, ठीक है जी, राइट रिजल्ट। अब ये कमिट का पार्ट है, ये एडिशनल पार्ट है थॉमस सोलो एल्गोरिथम में, थॉमस सोलो एल्गोरिथम में ये तीन स्टेप्स थे, जबकि हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन के अंदर ये एडिशनल पार्ट है कमिट। इसको हमने पीछे कम्प्लीशन का नाम भी दिया है और ग्रेजुएशन का नाम भी दिया है, ठीक है जी। कमिट का नाम जो है ये ग्रेजुएशन और कम्प्लीशन भी इसको कहते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमनली यूज वर्ड जो है इट इज़ कमिट। तो ये क्या होता है जी, इफ़ इंस्ट्रक्शन इज रेडी एट द हेड ऑफ रीऑर्डर बफर, अपडेट रजिस्टर और मेमोरी, ठीक है जी।
अगर आप ये जो हेड पॉइंटर है, हेड पॉइंटर आपकी इंस्ट्रक्शन पे आएगा तो आप क्या करेंगे, आप जो रीऑर्डर जो है आपका इंस्ट्रक्शन है रीऑर्डर बफर के हेड पॉइंटर के, जब हेड पॉइंटर जो है आपकी जिस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा उस इंस्ट्रक्शन ने कमिट करना है, और जब वो कमिट करेगा तब ही वो रजिस्टर फाइल को या मेमोरी को या प्रोसेसर की स्टेट को अपडेट कर सकता है, उससे पहले नहीं करेगा, ठीक है जी। When a mispredicted branch reaches, again यहाँ पे आपकी ब्रांच पेनल्टी है, अगर अगेन यहाँ पे अगर आप हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन यूज कर रहे हैं तो ब्रांच प्रिडिक्शन स्कीम्स का मिसप्रिडिक्शन रेट बहुत लो होना चाहिए, ठीक है जी। तो when a mispredicted branch reaches head of reorder buffer, discard all entries, आप अपने reorder buffer को फ्लश कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी mispredicted branch आपने उसे encounter किया तो आप अपने reorder buffer की entries को discard कर देंगे। Set reorder buffer tail to branch instruction. Branch जो tail की instruction है वो branch instruction को point करना शुरू कर देगी और अपनी execution जो है वो दोबारा आप restart करेंगे from the successor instruction. जो भी path आपने लेना है restart करने के बाद, तो वहाँ से आपकी execution restart होगी, ठीक है जी। तो ये commit में कोई question है या वैसे कोई question है पूरे आज के lecture में, previous lectures में, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये commit का part आपको समझ आ गया। बेसिकली जब आपका हेड पॉइंटर रीऑर्डर बफर का इंस्ट्रक्शन के पास इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा तो वो इंस्ट्रक्शन कमिट कर जाएगी, और अगर आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग है तो आप बेसिकली अपने रीऑर्डर बफर को फ्लश कर देंगे और एग्जीक्यूशन रीस्टार्ट करेंगे जहां से आपने जो सा पाथ आपने ब्रांच का जो पाथ है जो ट्रू पाथ है वो आप उस वहां से एग्जीक्यूशन रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। ओके जी, रजिस्टर वैल्यू एंड मेमोरी वैल्यूज आर नॉट रिटर्न अंटिल एन इंस्ट्रक्शन कमिट्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब तक आप इंस्ट्रक्शन कमिट नहीं करेंगी तब तक आपकी प्रोसेसर की स्टेट्स जिसमें रजिस्टर वैल्यूज हैं और मेमोरी राइटिंग वगैरह है वो आपके तब तक अलाउड नहीं है जब तक आप इंस्ट्रक्शन कमिट ना करें। और मिस प्रिडिक्शन स्पेकुलेटेड एंट्रीज इन आर ओ बी आर क्लियर्ड, आपका आर ओ बी जो है वो फ्लश हो जाएगा। और एक्सेप्शंस जो हैं, अगर आपके आप लोगों ने एक्सेप्शंस पढ़ी होंगी फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में जब आप रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कोर्स पढ़े हुए, तो बेसिकली आपकी जो अगर आपके प्रोग्राम में की एक्सेप्शन अगर होनी है तो तभी वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी अनटिल आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो कमिट रेडी टू कमिट ना हो, ठीक है। आपकी एक्सेप्शंस जो हैं वो तब तक हैंडल नहीं होंगी जब तक आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो कमिट नहीं करेगी, ठीक है। तो अगेन जो ये मिस प्रिडिक्शन का पार्ट है जो आपने आर ओ बी एंट्रीज क्लियर करनी है उसमें होता कुछ यह कि लेट्स सपोज आपका ये रीऑर्डर बफर है और आपकी ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है और ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपके रीऑर्डर बफर के अंदर अवेलेबल हैं क्यू में लगी हुई है, ठीक है जी। तो अगर ये आपकी जो ओल्डेस्ट इंस्ट्रक्शन या आप हेड पॉइंटर ब्रांच इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा तो ये अगर आपकी मिस प्रिडिक्शन हो गई है तो ये आपकी सब एंट्रीज फ्लश हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और आपका टेल पॉइंटर और हेड पॉइंटर जो है वो एक ही ब्रांच इन एक इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू हो जाएंगे, और आप न्यू पाथ जो आपका ब्रांच का जो पाथ है डिफरेंट पाथ है यहाँ पे आपका आपने स्पेकुलेटिवली एग्जीक्यूट करना शुरू कर दी। ये अज्यूम करते हुए स्पेकुलेटिवली आपने ये अज्यूम किया कि भाई ये इंस्ट्रक्शन जो हैं आपकी करेक्ट हैं, ये पाथ आपका करेक्ट है, और आपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते गए। लेकिन अगर आपने ये देखा कि आपकी ब्रांच जो है वो टेकन आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई है, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन ब्रांच की जो प्रिडिक्शन है वो रॉन्ग हो गई है तो ये इंस्ट्रक्शंस फ्लश हो जाएंगी और डिफरेंट पाथ जो है वो आपका वहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो रीस्टार्ट होगी और ये हेड और टेल पॉइंटर यहाँ पे बराबर हो गए और नई इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर आएंगी फैच होंगी और फिर वो एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी, ठीक है जी। तो ये मिस प्रिडिक्शन को समझ आ गई आपको, ये अगर मिस इन केस ऑफ मिस प्रिडिक्शन ये आपकी इंस्ट्रक्शंस फ्लश हो गई, ठीक है जी। समझ आ गया, क्वेश्चन है तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे थॉमस सुलो एल्गोरिथम के अंदर क्या चेंजेस किए हैं यहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे भी वही रिजर्वेशन स्टेशंस हैं जो थॉमस सुलो एल्गोरिथम के अंदर थे, ये वही आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं, मेमोरी यूनिट है, फ्लोटिंग पॉइंट एडर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स हैं, ये आपकी कॉमन डेटा बस है, ठीक है। ये आपकी वही रजिस्टर फाइल है जिसमें आपके रजिस्टर्स हैं, और ये ऑपरेंट बसेज हैं जहाँ से आप इनके ऑपरेंट जो हैं वो रीड करके रिजर्वेशन स्टेशंस के अंदर अपने ऑपरेंट्स को राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी वही इंस्ट्रक्शन क्यू है, ये आपका वही लोड बफर है, ये आपका थॉमस सुलो एल्गोरिथम का वही एड्रेस यूनिट है। चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आपका एक एडिशनल हार्डवेयर यूज हुआ है जिसका नाम है रीऑर्डर बफर, जिसको मैं बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन किया मैंने, इट इज़ अ फीफो क्यू, ठीक है जी। और
बेसिकली ये री ऑर्डर बफर जो है ये आपके यहाँ पे जो स्टोर बफर था, स्टोर बफर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोड बफर है, स्टोर बफर यहाँ पे नहीं है। ये जो री ऑर्डर बफर है ये री स्टोर बफर के साथ मर्ज कर दिया गया। जो स्टोर इंस्ट्रक्शंस ने काम करना है वो भी री ऑर्डर बफर के अंदर होगा। यहाँ से एड्रेस यूनिट कैलकुलेट हुआ है, और अभी आपने आपने मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे जो डेस्टिनेशन फील्ड है इसके अंदर आपका जो मेमोरी एड्रेसेस हैं इन केस ऑफ स्टोर वो सेव होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस स्टोर होंगे। तो ये जो रीऑर्डर बफर है ये आपके स्टोर बफर से मर्ज हो गया हुआ है। ठीक है, तो इस रीऑर्डर बफर ने स्टोर ऑपरेशंस का भी हैंडल करना है, और जो इसके ऑपरेशंस हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी आएंगी और वो उसमें इनके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी और रिजल्ट होल्ड रहेंगे अनलेस आपकी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कमिट करें। ठीक है जी, तो एक बात और गौर करें, जो आपकी कॉमन डेटा बस है ये आपकी यहाँ से रीऑर्डर बफर से भी कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन क्यू है, इंस्ट्रक्शन क्यू या आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू जो है या आपकी यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन रेजोल्यूशन स्टेशन में जाएंगी, और ये इन रेजोल्यूशन स्टेशन से इन रेजोल्यूशन स्टेशन के साथ साथ रीऑर्डर बफर के अंदर भी आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू होंगी एट अ टाइम। आपके रीऑर्डर बफर में और रेजोल्यूशन स्टेशन के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होंगी और वो एग्जीक्यूट होंगी इन फंक्शनल यूनिट्स में जैसे ही उनके ऑपरेंड्स अवेलेबल होंगे, और इनके रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे रीऑर्डर बफर के अंदर अपडेट होंगे और वो इसके अंदर स्टोर रहेंगे, सेफ रहेंगे अनलेस आपकी इंस्ट्रक्शन कमिट करें। वो रिजल्ट्स आपके फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर में अपडेट नहीं होंगे। अगर आप लोग गौर करें तो थॉमस उलू एल्गोरिथम ये कॉमन डेटा बस जो थी वो रजिस्टर फाइल से कनेक्टेड थी, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन डेटा बस रीऑर्डर बफर में जा रही है डायरेक्टली रजिस्टर फाइल से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, आपके रिजल्ट्स रीऑर्डर बफर में जाएंगे और जब आपकी इंस्ट्रक्शन कमिट करेगी तब ही ये रजिस्टर फाइल अपडेट होगी। ठीक है जी, ये रजिस्टर नंबर और डेटा वैल्यू जो आपने अपडेट करनी है रजिस्टर फाइल में, यहाँ पे दोनों ऑपरेंट्स आपके रीऑर्डर बफर से आ रहे हैं। यहाँ पे कॉमन डेटा बस आपकी रजिस्टर फाइल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, थॉमस उलू एल्गोरिथम में ये डायरेक्टली कनेक्टेड थी जी। इस डायग्राम में इस थॉमस उलू एल्गोरिथम की जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन है इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, सॉरी हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन की जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन है अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, हम आगे चलते हैं, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं, और ये बेसिकली वही एग्जाम्पल है जो मैं आपको करने जा रहा हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, ये वाली, ये थॉमस उलू एल्गोरिथम ने लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी। ये इंस्ट्रक्शंस थी, हमने इसको एग्जीक्यूट किया था थॉमस उलू एल्गोरिथम में, और अब जो है इसी एग्जाम्पल को मैं हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन यूज़ करते हुए इसको एग्जीक्यूट करूँगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और एग्जाम्पल कही थी लूप बेस्ड एग्जाम्पल, होपफुली आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। तो इसी एग्जाम्पल को जब मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूंगा हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में, इस एग्जाम्पल को जब मैं हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन के लिए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर आप लोग इसी एग्जाम्पल को दोबारा हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन के लिए भी एग्जीक्यूट करेंगे अपने तौर पर। मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊँगा, एक आप खुद करेंगे। ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं आज की एग्जाम्पल। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो अब यहाँ पे डिफरेंस ये है, थॉमस उलू एल्गोरिथम में यहाँ पे एक टेबल था जो हार्डवेयर में नहीं था, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। थॉमस उलू एल्गोरिथम में यहाँ पे रिजर्वेशन स्टेशन था जो हार्डवेयर का पार्ट है, और रजिस्टर स्टेटस था, यहाँ पे रजिस्टर फाइल थी जो आपका हार्डवेयर का पार्ट था। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये तीनों आपके हार्डवेयर के पार्ट हैं। रीऑर्डर बफर हार्डवेयर का पार्ट है, रिजर्वेशन स्टेशन आपका हार्डवेयर का पार्ट है, और रजिस्टर स्टेटस ये कुछ मॉडिफाइड है, रजिस्टर फाइल आपने मॉडिफाई किया है। यहाँ पे रीऑर्डर नंबर है, रीऑर्डर बफर का नंबर है। ठीक है, वहाँ पे आपने आइडेंटिफायर यूज़ किए थे, QI फील्ड यूज़ की थी थॉमस उलू एल्गोरिथम में, QI फील्ड। लेकिन यहाँ पे आप टू डिफरेंट फील्ड यूज़ कर रहे हैं, एक रीऑर्डर बफर नंबर, ये वाले नंबर्स, ठीक है जी, और एक बिजी फील्ड आप यूज़ कर रहे हैं जो आप कहेंगे ये आपके रजिस्टर्स बिजी हैं थॉमस उलू ये रीऑर्डर बफर में के नहीं। ठीक है, रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर भी हमने एक एडिशनल फील्ड इंसर्ट की है, इसमें मॉडिफिकेशन की है, और वो फील्ड है डेस्टिनेशन। ये जो डेस्टिनेशन की फील्ड है ये हमने रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर ऐड कर दी है, बाकी फील्ड्स वही हैं जो हमने थॉमस उलू एल्गोरिथम में स्टडी की थी। ठीक है जी,
तो मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, यहाँ पे आपका एक रीऑर्डर बफर ऐड हो गया जो हार्डवेयर का पार्ट है। रिजर्वेशन स्टेशन जो है उसमें हमने चेंजेस किए हैं, ये डेस्टिनेशन की फील्ड इसमें इंसर्ट कर दी है और रजिस्टर फाइल को भी हमने अपडेट किया है। यहाँ पे QI फील्ड की बजाय रीऑर्डर बफर नंबर जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात आप और गौर करें, ये जो रीऑर्डर बफर है यहाँ पे, ये जो आपकी बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है जो इसी तरह की डायग्राम्स की मदद से, उसमें ये जो प्रोग्राम ऑर्डर है, ये जो प्रोग्राम ऑर्डर है ये अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड होगा, ठीक है। सिर्फ एक कन्वेंशन है समझाने के लिए, यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्डर है वो डाउनवर्ड है, ये भी फीफो क्यू है, सिर्फ सिर्फ डिफरेंस ये है यहाँ पे कि ये प्रोग्राम ऑर्डर जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, समझाने के लिए। तो यस, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इशू हुई विच इज़ लोड इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे 32x2 यहाँ पे जो एड्रेस है उसमें जो वैल्यू है वो आपकी F6 में लोड होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट, अच्छा एक चीज़ और नोट कर लें ये समझाने के लिए, यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स यूज हुई हुई हैं। वैसे रीऑर्डर बफर की सिर्फ 4 फील्ड्स हैं, टाइप, डेस्टिनेशन, वैल्यू, रेडी, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट फील्ड यूज हुई हुई हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है जी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपकी इशू हो गई, इसकी स्टेट इशू है, इसकी डेस्टिनेशन जो है F6, ठीक है जी, और ये रीऑर्डर बफर की एंट्री जो है वो बिजी है, और यही इंस्ट्रक्शन आपकी रिजर्वेशन स्टेशन में भी चली गई। आपकी इंस्ट्रक्शन जो है उसका जो ऑपरेशन है इट इज़ लोड, ठीक है जी, लोड आपने करना है। ये रिजर्वेशन स्टेशन लोड बफर 1 बिजी हो गया, और अगेन थॉमसवुल एल्गोरिथम की तरह जो वी के की वैल्यू है इट इज़ रजिस्टर X2, और ये जो ऑफसेट फील्ड है इट इज़ स्टोर्ड एट ए फील्ड 32, ठीक है। और ये जो डेस्टिनेशन थी F6, इस इंस्ट्रक्शन की जो डेस्टिनेशन है F6, यहाँ पे आपने रजिस्टर फाइल में उसका जो रीऑर्डर नंबर है वो नंबर 1 लिख दिया। ये जो #1 है ये बेसिकली इस एंट्री, फर्स्ट एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीऑर्डर बफर की एंट्री इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है #1, ठीक है। अगर फिफ्थ एंट्री होती तो यहाँ पे #5 लिखा होता, ठीक है। और ये रजिस्टर जो है ये रीऑर्डर बफर में बिजी है, ठीक है जी। समझ आ गई आपको एक इंस्ट्रक्शन कैसे इशू हुई है? दरमियान में आप मुझे कहीं भी इंटरप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया और सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी इशू हो गई है, ठीक है जी। आप लोगों को याद होगा हमने थॉमस सुलो एल्गोरिथम आपने देखा था, लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, एग्जीक्यूशन में 2 स्टेप्स लेती हैं, और हमारी अजम्पशन थी कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो इंस्ट्रक्शन हैं वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही हैं, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन 6 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही हैं, और मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन जो हैं या डिवीजन की जो इंस्ट्रक्शन हैं, सॉरी डिवीजन की इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लीकेशन की 6 में कम्प्लीट हो रही हैं, डिवीजन की जो इंस्ट्रक्शन हैं वो 12 स्टेप्स में कम्प्लीट हो रही हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूशन में चला गया जी, एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट हो गई है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू हो गई है। तो ये इंस्ट्रक्शन है ये भी लोड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। इसकी डेस्टिनेशन F2 है, F2 जो है यहाँ पे आपका रीऑर्डर बफर नंबर हमने इंसर्ट कर दिया है, रीऑर्डर बफर नंबर इट इज़ 2, और ये भी बिजी हो गया, ठीक है। और रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर अगेन ये रजिस्टर X3 और ये जो ऑफसेट है 244 ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे भी डेस्टिनेशन जो है वो रीऑर्डर बफर नंबर #2 हमने इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, फर्स्ट लोड इंस्ट्रक्शन का सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि सेकंड लोड का फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, जबकि थर्ड इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी इशू हो गई है, ठीक है जी। तो मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इसका जो डेस्टिनेशन है इट इज़ F0, ठीक है जी। और बेसिकली इस ये मल्टीप्लीकेशन की जो इंस्ट्रक्शन है ये F2 इस सेकंड इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी, और ये इशू स्टेट में चली गई है, और इसके साथ साथ ये रिजर्वेशन स्टेशन में MULT1 रिजर्वेशन स्टेशन में भी चली गई है, और बिल्कुल थॉमसवुल एल्गोरिथम की तरह यहाँ पे एंट्रीज फेल हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है वो #3, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन है ये रीऑर्डर बफर में 32
थर्ड नंबर पे आपकी इंसर्ट हुई हुई है, ठीक है जी। और इसकी जो डेस्टिनेशन है इट इज़ एफ नॉट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ नॉट जो है वहाँ पे रीऑर्डर बफर नंबर हमने लिख दिया हैश थ्री, ठीक है जी। और इसका सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट हो गया, इसने इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर लिया है और अब यहाँ से उसने सिर्फ लोड करनी है वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन से यहाँ पे आपकी कॉपी हो गई है, कॉमन डेटा बस के थ्रू यहाँ पे लिख दी गई है रीऑर्डर बफर में। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो राइट रिजल्ट के फेज में चली गई है, ठीक है जी। जब आपकी इंस्ट्रक्शन राइट रिजल्ट फेज में जाएगी तो रिजर्वेशन स्टेशन से वो निकल जाएगी, ठीक है जी। रिजर्वेशन स्टेशन से आपकी निकल जाएगी, रिजर्वेशन स्टेशन आपका फ्री हो जाएगा, जबकि रीऑर्डर बफर में वो राइट रिजल्ट स्टेज में चली गई है, ठीक है जी। आप लोगों को ये दोबारा दिखाता चलूँ, ये कॉमन डेटा बस से आपकी ये जो रिजल्ट्स हैं वो रीऑर्डर बफर के अंदर राइट कर दिए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो दोबारा स्टेप में चलते हैं, यस। और यहाँ पे अब एक काम और हुआ, यस यस, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली जब इंस्ट्रक्शन थी तो वो F2 का उसने वेट करना था ना, तो यस, तो फिर जब नीचे जो है जो RS में तो जहाँ पे आपने लिखा ही नहीं जब इसको किया, मतलब जिस तरह लास्ट टाइम एग्जांपल की थी तो QI और QK के में हमने एक वैल्यू लगा दी थी, इसका मतलब था कि हम उस जो वैल्यू का स्टोर, हाँ उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन जब आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किया तो वहाँ पे आपने लिखे नहीं है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। इस स्टेप से वापस पिछले स्टेप में चलते हैं, यस इसी स्टेप में हम आप लोग गौर करें, बल्कि मैं प्रीवियस स्टेप में चलता हूँ। ये जो हमने जब मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन को इशू किया तो इसके टू ऑपरेंड्स हैं F2 एंड F4, ठीक है जी। F4 ऑपरेंड अवेलेबल है क्योंकि कहीं पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है जी। तो ये F4 आप देखें यहाँ पर बिजी भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमने उसे कुछ नहीं किया। तो F4 की वैल्यू जो कि सेकंड ऑपरेंड है, तो देखें आपको हमने थॉमस सुलो एल्गोरिथम में कहा था कि उसकी अगर उसकी वो वैल्यू QK फील्ड या QJ फील्ड ब्लैंक है या जीरो है तो इट मींस उसका ऑपरेंड अवेलेबल है। तो यहाँ पे QK की वैल्यू ब्लैंक है, इट मींस VK वैल्यू इज़ अवेलेबल इन रजिस्टर फाइल। वो रजिस्टर फाइल से वैल्यू रजिस्टर F4 में यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। एक ऑपरेंड तो इसका अवेलेबल है। रही बात F2 की, जो आपका डिपेंडेंट है आपकी सेकंड इंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सही किया है, यहाँ पे बिल्कुल थॉमस सुलो एल्गोरिथम की तरह यहाँ पे QJ की जो फील्ड है, QJ की फील्ड वहाँ पे रीऑर्डर बफर नंबर लिख दिया है नंबर 2। यही डिफरेंस है हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में और थॉमस सुलो एल्गोरिथम में, वहाँ पे हमने इनके आइडेंटिफायर्स लिखे थे, रिजर्वेशन स्टेशन के आइडेंटिफायर्स हमने यूज़ किए थे, जबकि हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन के अंदर आप रीऑर्डर बफर नंबर की नंबर्स जो हैं एंट्रीज जो हैं उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो QJ की फील्ड है इट इज़ #2, इट मीन्स इसकी वैल्यू रीऑर्डर बफर #2 के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि आप ये कहें कि ये वैल्यू अभी तक इस इंस्ट्रक्शन ने कमिट नहीं किया। जब ये इंस्ट्रक्शन कमिट करेगी तब ये ऑपरेंड अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यस, ये इंस्ट्रक्शन जो है मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन इस सेकेंड ऑपरेंड F2 का वेट कर रही है, इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जैसे ही इसकी वैल्यू अवेलेबल होगी तब ही ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। तो इसके यहाँ पे आइडेंटिफायर हमने #2 लिखा हुआ है, क्लियर है, समझ आ गया आपको? यस सर। चलें गुड, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ये इंस्ट्रक्शन आपकी राइट रिजल्ट कह रही है और आपकी एक नई इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू हो गई है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन जो है वो भी F2 के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। इसका डेस्टिनेशन F8 है, F8 को हमने बिजी कर दिया और यहाँ पे रीऑर्डर बफर नंबर #4 हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन है, ये हमने #1 के अंदर इशू भी कर दिया। अगेन यहाँ पे एक फील्ड अवेलेबल है, F6 अवेलेबल है, जो बेसिकली यहाँ से हमें मिल चुका है, F6 हमें यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे उसकी वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन जो उसका सेकेंड ऑपरेंड है F2, वो हमने यहाँ पे QJ की फील्ड में हमने रीऑर्डर बफर नंबर इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है, इसका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, इसने इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर लिया और ये नेक्स्ट स्टेप में राइट रिजल्ट के स्टेज में चली जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पे आप गौर करें,
ये जो थॉमस सुलो एल्गोरिथम के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस जो थी, बल्कि आप ये कि ये जहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन के अंदर ये जो मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन है, इसका इसमें एक ऑपरेंड जो है वो अनअवेलेबल है, एफ टू पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू में स्टॉल हो गई है, ये इंस्ट्रक्शन जो है स्टॉल हो गई है, ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगी, ठीक है जी। ये इंस्ट्रक्शन स्टॉल हुई हुई है और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू हो गया है। ये इंस्ट्रक्शन तब तक इशू नहीं होगी, इशू स्टेज में स्टॉल हुई है, तब तक नहीं आगे आगे अगले फेज में जाएगी, अगली स्टेज में नहीं जाएगी जब तक आपका ये एफ टू अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है जी। तो जहाँ तक कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं अगर नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में चलता हूँ जी, ठीक है, क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी सर जी, सर जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो तो अभी राइट रिजल्ट में है ना, उसका अभी कॉमेंट नहीं किया, तो उसका जो रिजल्ट है वो एफ सिक्स में कैसे सेव हो गया अभी जो हम ये यूज कर रहे हैं सबट्रैक्शन वाले इंस्ट्रक्शन में? एफ सिक्स में कैसे अपडेट हो गया, एक मिनट सर, उसने अभी कॉमेंट तो नहीं किया ना? यस, आप गौर करें, ये जो कमिट कहना है ना उस, वो सिर्फ आपको रोकता है कि आपने रजिस्टर फाइल से चेंज, रजिस्टर फाइल में कोई अपडेट नहीं करना, रिजर्वेशन स्टेशन में आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर स्टेटस जो है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, इट इज़ बिजी, यहाँ पे उसने स्टिल अपडेट नहीं किया, रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया, थॉमस सुलो एल्गोरिथम में यहाँ पे अब रिजल्ट राइट किया जा सकता था, लेकिन इस हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में ये जब तक कमिट नहीं करेगी इंस्ट्रक्शन, तब तक यहाँ पे ये एफ सिक्स फ्री नहीं होगा, ये बिजी रहेगा और ये रीऑर्डर बफर हैश वन यहाँ पे रहेगा। जब रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए तो आपका रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर रिजल्ट्स लिखे अवेलेबल होते हैं, रजिस्टर फाइल में मेमोरी में वो रिजल्ट्स नहीं जाएंगे, ये डिफरेंस है आपकी हार्डवेयर स्पेकुलेशन में और थॉमस सुलो एल्गोरिथम में, क्लियर हो गया? आपके रजिस्टर फाइल में चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे रिजल्ट नहीं लिखे गए, रिजर्वेशन स्टेशन में रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्डवेयर पे स्पेकुलेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की हुई है कि आप अपने रिजल्ट्स को रजिस्टर फाइल में अपडेट नहीं करेंगे अनलेस आपकी इंस्ट्रक्शन कमिट करे। रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर आपने रिजल्ट्स को आप राइट कर सकते हैं, ठीक है जी, इसीलिए यहाँ से कॉमन डेटा बस के थ्रू आप अपने रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर रिजल्ट्स को अपडेट कर सकते हैं, रजिस्टर फाइल में आप अपडेट नहीं कर सकते। आपके रिजल्ट्स यहाँ डेटा बस के थ्रू रीऑर्डर बफर में आएंगे और यहाँ पे जब आपकी इंस्ट्रक्शन कमिट करेगी तब ही आप लोड और स्टोर बफर्स में अपडेट करेंगे या रजिस्टर फाइल में अपडेट करेंगे, मेमोरी में अपडेट और रजिस्टर फाइल में अपडेट तब ही होगी जब रीऑर्डर बफर के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन कमिट करेगी, रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर आपके रिजल्ट्स पहुँच जाएंगे। ये डिफरेंस है थॉमस सुलो एल्गोरिथम में और हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में, ठीक है जी, समझ आ गया? जी सर, चलें गुड। अब हम और नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं अब जो है यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रक्शन का सेकंड स्टेप कंप्लीट हो रहा है एग्जीक्यूशन में। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ने बेसिकली ये आपका हेड पॉइंटर है और यहाँ पे आपका टेल पॉइंटर है, ये जो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आई हुई है, दिस इज ये आपके टेल पॉइंटर है और ये आपका हेड पॉइंटर है। अब ये जो बेसिकली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी जिसने रिजल्ट राइट कर लिया था और इसने सबसे पहले ये इशू हुई थी, क्योंकि हार्डवेयर में स्पेकुलेशन में आप इन ऑर्डर इशू कर रहे हैं, इन ऑर्डर कंप्लीशन और इन ऑर्डर कमिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी तो सबसे पहले इसी ने कमिट किया, ठीक है। और ये जो रीऑर्डर बफर की एंट्री है ये फ्री हो गई है, अब बिजी नहीं है, यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन कर दिया ये ताकि आपको यहाँ पे समझ आ सके। बेसिकली एक्चुअली होता ये है कि जब ये आपकी कमिट कर जाएगी तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी, ये रीऑर्डर बफर से चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये जब जो ग्रीन एंट्रीज हैं समझ लें कि ये ब्लैंक एंट्रीज हैं, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखी गई हैं, मैंने इनको ग्रीन कर दिया है। ग्रीन एंट्रीज का मतलब ये है कि ये एंट्रीज फ्री हैं, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन ने कमिट किया, इसकी डेस्टिनेशन एफ सिक्स थी और आप देख सकते हैं ये एफ सिक्स अपडेट हो गया और यहाँ से रीऑर्डर बफर का जो हैश है वो आपका रिमूव हो गया, ठीक है। एफ सिक्स के अंदर आपकी वैल्यू अपडेट कर दी गई है, जब आपका आपके रीऑर्डर बफर की में इंस्ट्रक्शन ने कमिट किया आपके रजिस्टर फाइल अपडेट हो गया। अब ये एफ सिक्स जो है ये जो एफ सिक्स है ये आपका मेमोरी में भी है और रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर भी है, ठीक है जी। अब नंबर टू, ये जो सेकंड लोड है जिसमें एफ टू है जो आपकी इस मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन में डिपेंडेंट था,
इसके रिजल्ट्स कॉमन डेटा बस में अवेलेबल है, तो वो रिजल्ट्स आपके रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर आ गए, ठीक है जी। F2 आई गेस यस, ये दोनों जो VJ की फील्ड्स हैं ये आपके F2 हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन और मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन में जो इसके ऑपरेंड्स हैं ये आपके अब अवेलेबल हैं, ठीक है जी। एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है यहाँ पे, जो #2 है ये #2 ये यहाँ पे नहीं लिखा होना चाहिए था, ठीक है जी। मैं इसको ये जो #2 है ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये #2 नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये #2 नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसका ऑपरेंड जो है वो तो अवेलेबल है अब, ठीक है। तो ये इसको आप काट दें, यानी इसको आप ये यहाँ पे #2 नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी, यहाँ पे #2 नहीं लिखा हुआ, ये इसको आपने काट दें, इसको आपने क्रॉस कर दें, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है जी। अगर चाहिए आपकी बुक के अंदर इस तरह स्टेप बाय स्टेप नहीं एक्सप्लेन किया गया, मैं ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये जो #2 है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी, इसको आप करेक्ट कर लें। तो यहाँ पे अब आपके ऑपरेंड जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं, अब ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो हैं दे आर रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है जी। तो ये इनके ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे इशू लिखना चाहिए था, यहाँ पे बेसिकली अगेन यहाँ पे भी आप इशू कर दें इसको, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको एग्जीक्यूट इसको यहाँ पे इशू कर दें, क्योंकि अब ये स्टॉल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इशू लिख दें, यहाँ पे आप इशू कर लें, और यहाँ पे #2 नहीं होना चाहिए, ये एक इस स्लाइड में कुछ मैंने अपडेट सही नहीं कर सका, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये दोनों देर मस्ट बी इशू और दिस #2 इज़ नॉट हेयर, ठीक है जी। तो अगेन ये दोनों रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, रिजर्वेशन स्टेशन से ये निकल गए, अब इस इंस्ट्रक्शन ने कमिट करना है और हम आगे जाते हैं। तो यस, सेकेंड इंस्ट्रक्शन ने भी कमिट कर दिया, ये एंट्री फ्री हो गई, इसकी डेस्टिनेशन F2 थी, यहाँ से F2 में रिजल्ट आपका अपडेट हो गया। इन दोनों इंस्ट्रक्शन ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी है, मल्टीप्लीकेशन अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर रही है, सब्ट्रैक्शन भी आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर रही है, और ये जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है लास्ट इंस्ट्रक्शन है आपकी वो भी इशू हो गई है। डिवीजन की इंस्ट्रक्शन लास्ट स्टेप में इशू हो गई थी, ठीक है जी, इसका एक ऑपरेंड मिसिंग है जो #3 इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, F0 मल्टीप्लीकेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर इसका डिवीजन में एक ऑपरेंड जो है वो मिसिंग है, और ये जो F6 है ये आपकी add 2 में आपकी इशू हो गई है, और इसका जो रिजल्ट है एक ऑपरेंड जो है F8 वो #4 में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। और इन सब के डेस्टिनेशन जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यहाँ पे भी रजिस्टर फाइल में भी वो अपडेटेड है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपका जो एडिशन है बेसिकली जो सब्ट्रैक्शन है add 1 में इसका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ है, मल्टीप्लीकेशन का भी सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में चूंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन ने टू स्टेप्स में कंप्लीशन करनी है, तो इसका जो रिजल्ट है विच इज़ बेसिकली #2 - #1 F2 - F6 दिस इज F2 - F6। तो जो रिजल्ट है, जो इसकी वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ रीऑर्डर बफर नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज़ #2 - #1, इसकी जो वैल्यू है #2 - #1 है, और ये वैल्यू आपकी इस #2 में भी अवेलेबल हो गई है, रिजर्वेशन स्टेशन में आपकी रिजर्वेशन स्टेशन #2 में ये अवेलेबल है #2 - #1। और ये जो इंस्ट्रक्शन है विच इज़ #2 में ये वाली इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, इस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड जो हैं वो भी अब अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे भी QJ नहीं लिखा होना चाहिए था, क्योंकि इसके ऑपरेंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी QJ की वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, ये ब्लैंक होना चाहिए था, इसको भी अपेंडली आप इग्नोर कर दें, ये QJ जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, इट मस्ट बी ब्लैंक, ठीक है जी। तो यहाँ तक ही क्वेश्चन है, तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं अब आप यस ये जो एक लोडिंग सब्ट्रैक्शन है ये कितने क्लॉक साइकल्स में एग्जीक्यूट हो रही है कॉमेट होने पर, कितना टाइम लगता है क्लॉक साइकल्स? दोबारा पूछे मुझे, एक तो लोड इंस्ट्रक्शन है वो कितने क्लॉक साइकल्स में जो है वो कॉमेट तक जा रही है, मतलब स्टेप्स तो 4 है ना, तो कितने क्लॉक साइकल्स लग रहे हैं इसको? सिंगल साइकिल में आपका ये कॉपी हो सकता है, यानी आपके जो रिजल्ट जब अवेलेबल है तो आपके डेटा बस के ऊपर अवेलेबल है, तो आपने सिर्फ रीड करना है, तो डेटा बस से रीड करना है, तो एक सिंगल साइकिल में आपको रीड हो सकता है। नहीं,
स्टार्ट से लेके एंड तक लाइक इशू होती है फिर एग्जीक्यूट होती है राइट रिजल्ट और कॉमिट, ये चार स्टेप्स कितने क्लॉक साइकिल्स में होते हैं? आपका जो इशू है सिंगल क्लॉक साइकिल, फिर उसके बाद आपका एग्जीक्यूट है, लोड स्टोर जो है वो टू स्टेप्स पे कंप्लीट होते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि हर स्टेप एक सिंगल साइकिल कंज्यूम कर रहा है, तो टू साइकिल्स वो हो गए। फिर उसके बाद राइट रिजल्ट के अंदर जैसे ही आपका रिजल्ट जो है अवेलेबल हैं, फंक्शनल यूनिट्स जो है ना वो आपके टू स्टेप्स ले रहे हैं लोड के, ठीक है, और उसके बाद आप एक स्टेप राइट का कर लें, और फिर कमिट जो है जैसे ही आपका पॉइंटर जो है वो आपका पॉइंट करेगा आपकी इंस्ट्रक्शन में, तो एक साइकिल राइट करने में आपका लग जाएगा, ठीक है? ठीक है, नहीं मुझे तसल्ली नहीं हुई, मुझे लगता है आप सर इस तरह से तो ये 7 क्लॉक साइकिल्स बन रहे हैं ना, एक में इशू होती है, दो में, लेकिन आप ये लेकिन आपकी ये इंस्ट्रक्शन जो है पाइपलाइन है, आपकी आप याद करें जब आपने पाइपलाइनिंग पढ़ी थी तो उसमें 5 स्टेप्स थे, तो वो भी तो हर साइकिल में कंज्यूम हो रहा है ना, एक पाइपलाइन स्टेज तो थी, एक सिंगल साइकिल कंज्यूम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रही हूँ क्लॉक साइकिल्स के दरमियान और स्टेप्स, लाइक अब 4 स्टेप्स हो रहे हैं ना इसमें, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें। यस यस, तो आप ना यहाँ पे आपने स्टेप्स को साइकिल को कंफ्यूज नहीं करना। नंबर टू, यहाँ पे मैं आपको साइकिल्स की, अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो रही है ना, जो टॉप पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो टॉप पे मैंने लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज हो रही है, राइट? हाँ ओके, तो बेसिकली आप इसको ना ऐसे अज्यूम कर सकती हैं, ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे आपने अगेन टाइमिंग डायग्राम, क्लॉक साइकिल वाइज टाइमिंग डायग्राम हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं ऑब्जर्व कर रहे, नंबर वन। नंबर टू, वो जो साइकिल्स हैं ये हमारी अजम्पशन थी कि ये जो यूनिट्स हैं, मेमोरी यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स, एडर्स, ये जो यूनिट्स हैं इनमें से मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेशन 6 साइकिल्स कंज्यूम कर रहा है, डिवीजन 12 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इन स्टेप्स की अजम्पशन हैं, ठीक है? और ये जो फंक्शनल यूनिट्स हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस को, और एग्जीक्यूशन थॉमस सोलो एल्गोरिथम का और हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन का एक सिंगल स्टेप है, राइट? तो थॉमस सोलो एल्गोरिथम के 3 स्टेप्स हैं, हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन के 4 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स में, थॉमस सोलो एल्गोरिथम में और हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में जो एग्जीक्यूशन का स्टेप है उनकी अजम्पशंस हैं कि मल्टीप्लायर 6 साइकिल्स कंज्यूम कर रहा है, डिवीजन 12 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है, और ये जो मेमोरी यूनिट है एग्जीक्यूशन स्टेप में 2 साइकिल्स कंज्यूम कर रही है। क्लियर हो गया जी सर? ठीक है, तो स्टेप्स 4 हैं हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में, थॉमस सोलो एल्गोरिथम में 3 स्टेप्स हैं, और इन दोनों एल्गोरिथम्स में जो एग्जीक्यूशन का स्टेप है उसके अंदर ये यूनिट्स आपके कितने साइकिल कंज्यूम करें वो हमारी अजम्पशन है, ठीक है? लोड स्टोर 2 साइकिल्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 साइकिल्स, मल्टीप्लिकेशन 6 साइकिल्स, डिवीजन 12 साइकिल्स, फाइन? क्लियर है जी सर, थैंक यू, वेलकम। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसके 2 स्टेप्स हो गए हैं, एडिशन के आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम थे, यस, ये इस स्टेप पे थे हम, यहाँ पे आपकी इस रिजल्ट्स जो हैं वो राइट हो रहे हैं, यहाँ पे आपके रिजल्ट्स राइट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे राइट नहीं किया गया क्योंकि अभी इस इंस्ट्रक्शन ने कमिट नहीं किया, ठीक है जी? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? ओके, आप ये देख सकते हैं ये जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, जो बेसिकली लास्ट इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, स्पेकुलेटिवली आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, लेकिन कमिट इन ऑर्डर हो रहा है। तो ये जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है इसका F8 अब आपको अवेलेबल है, ठीक है? F8 अवेलेबल है, तो अब इस इंस्ट्रक्शन ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी है, और ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन थी ये क्यू में वेट कर रहा है, वेटिंग टू कमिट, ठीक है जी? ये इंस्ट्रक्शन आपकी कमिट कर रही है, वेटिंग टू कमिट फेज में, ठीक है जी?
कई दफा बुक में, आपकी बुक में भी यहाँ पे इस वेटिंग टू कमिट को भी वो राइट रिजल्ट ही लिख रहा है, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे वेटिंग टू कमिट लिखें, ठीक है जी? तो मैंने यहाँ पे स्लाइड की मॉडिफिकेशन की है, राइट करने के बाद ये आपकी रीऑर्डर बफर में वेटिंग टू कमिट स्टेज में चली गई है, ठीक है जी? और ये इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके ऑपरेंड्स आपके पास अवेलेबल थे, यहाँ पे इसके ऑपरेंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है आपकी एग्जीक्यूशन में चली गई है, और इसका ये फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, और मल्टीप्लीकेशन जो है जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, ये अपने फोर साइकिल्स कंज्यूम कर चुकी है, ठीक है जी? नेक्स्ट स्टेप में आपकी एडिशन ने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, सेकंड साइकिल कंप्लीट कर लिया, मल्टीप्लीकेशन के 5 साइकिल्स कंप्लीट हो गए, और अब आपकी ये इंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ इन राइट रिजल्ट फेज, ठीक है? यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन थी, F8 + F2, तो F8 वाज इन #4 एंड F2 इज इन #2, ठीक है जी? तो इसकी वैल्यू जो है #4 + #2, और ये वैल्यू जो है F6, ये कहीं पे भी आगे यूज़ नहीं हो रही, ठीक है जी? ये डिवीजन में यूज़ नहीं हो रही, सॉरी डिवीजन में ये यूज़ हो रही है, कहाँ पे है, यस डिवीजन में यूज़ हो रही है, और ये डिवीजन में जो इंस्ट्रक्शन है इसके ऑपरेंड जो है वो नेक्स्ट, सॉरी यस अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो ये जो इसके जो ये राइट रिजल्ट की फेज़ में चली गई है, और ये जो रिजल्ट हैं F6 का जो रिज़ल्ट है ये इस डिवीजन की इंस्ट्रक्शन में जो है वो नहीं, ओके फाइन, ये इस पर डिपेंडेंट तो नहीं है, ये रीड यहाँ पे भी रीड हो रहा है लेकिन यहाँ पे राइट हो रहा है, यस यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, ओके फाइन, यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ओके जी। ये जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है ये राइट रिजल्ट फेज में चली गई है, और ये जो डिवीजन की इंस्ट्रक्शन है आप लोग गौर करें, F0 मल्टीप्लीकेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर रही बिकॉज इसके रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी? ये स्टिल स्टॉल्ड इन इशू में है, ठीक है जी? तो यहाँ पे की क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन ने अपने 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, 6 साइकिल्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ने 6 साइकिल्स कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट साइकिल में बेसिकली ये जो स्टेप है ये आपकी बुक का स्टेप है, ठीक है जी? ये आपकी बुक के अंदर सिर्फ सिंगल एक स्टेप दिखाया हुआ है, रिमेनिंग इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं है, उसके बाद के स्टेप्स नहीं है, ठीक है जी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एडिशन राइट रिजल्ट में है, ये जो इंस्ट्रक्शन थी वेटिंग टू कमिट है, लेकिन आपकी बुक में इसे राइट रिजल्ट लिखा गया, और ये जस्ट आपकी बुक में है, राइट? लेकिन इसको ये बेसिकली वेटिंग टू कमिट है, ठीक है जी? ये वेटिंग टू कमिट है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन के स्टेप्स हैं ये राइट कर दिए गए हैं, #2 क्या था, F2, ठीक है जी? तो मल्टीप्लीकेशन में एक F2 है, #2, और मल्टीप्लाई हो रहा था रजिस्टर F4 से, तो मल्टीप्लीकेशन में F4 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी? तो यहाँ पे आपकी वैल्यू राइट कर दी गई है, बाकी सारी एंट्रीज उसी तरह, यहाँ पे आपका F0, 6, 8, 10, ये तीनों चारों जो हैं रजिस्टर्स जो हैं वो बिजी हैं, ठीक है? तो ये स्टेप आपकी बुक में बनाया हुआ है, इससे पहले के स्टेप्स और इसके बाद के स्टेप्स आपकी बुक में नहीं है, ठीक है जी? जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो आपकी बुक में नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ने जो है अपने रिजल्ट राइट कर दिया, ये आपका यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है जी? और ये जो ऑपरेंड है वो यहाँ पे आपके डिवीजन की इंस्ट्रक्शन को भी अब आपको प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है जी? अब आपकी सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन स्टेशन में एक रिजर्वेशन स्टेशन बिजी है, बाकी रिजर्वेशन स्टेशन जो हैं वो आपके फ्री हो चुके हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये राइट रिजल्ट में चली गई है, और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इट इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट। तो नेक्स्ट स्टेप में इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन, इसने 12 साइकिल्स कंज्यूम करने हैं, ये इसका फर्स्ट साइकिल है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन है इसने अब कमिट कर दिया, ठीक है? इसका रिजल्ट अवेलेबल हुआ, राइट, इस रिजल्ट राइट हो गया, और ये जो रिजल्ट है F0 ये F0 में राइट कर दिया गया, और ये बिजी फील्ड जो है वो 0 में चली गई, अब ये F0 जो है वो बिजी नहीं है, ठीक है जी? और अब सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन, ये भी रेडी टू कमिट है, बेसिकली वेटिंग कह रही है, रेडी टू कमिट है, वेटिंग टू कमिट, ठीक है? रेडी टू कमिट और वेटिंग टू कमिट सेम, दे आर सेम। तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी ये इंस्ट्रक्शन भी कमिट हो गई, F8 यहाँ से फ्री हो गया, और डिवीजन की इंस्ट्रक्शन जो है
वो उसका सेकंड साइकिल जो है वो चल रहा है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये वेट करती रहेगी अनलेस आपकी डिवीजन की इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, रिजल्ट राइट करे, कमिट हो, और उसके बाद आपकी ये डिवीजन, ये जो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है लास्ट इंस्ट्रक्शन, ये कमिट होगी। ठीक है जी, तो अब आपकी डिवीजन की इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगी थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, अप टू 12 साइकिल्स। ठीक है जी, 12 साइकिल्स इस डिवीजन इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट हो गए, 12 साइकिल्स इस डिवीजन इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट हो गए। अब ये अपने रिजल्ट्स को राइट कर रही है, ये रिजल्ट्स राइट हो गए #3 / #1। ठीक है जी, एफ नोट वॉज इन #3, F6 वॉज इन #1। ठीक है जी, तो ये इसका रिजल्ट आपको अवेलेबल है, राइट हो गया रीऑर्डर बफर में, दिस इंस्ट्रक्शंस हैज रिटन इट्स रिजल्ट्स। ठीक है जी, अब इट इज रेडी टू कमिट। तो नेक्स्ट स्टेज में इसने कमिट किया और ये F10 जो है इट इज नाउ फ्री। ठीक है, लास्ट इंस्ट्रक्शन में इट वॉज बिजी, लास्ट स्टेप में, नेक्स्ट में इट इज फ्री। अब ये जो इंस्ट्रक्शन बहुत देर से वेट कर रही थी कमिट के लिए, अब ये भी रेडी टू कमिट है, इसने भी कमिट किया, आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई और सब रजिस्टर्स जो हैं वो फ्री हो गए, रिजर्वेशन सिस्टम फ्री है, तो यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, ये लास्ट लेक्चर की तरह ये एग्जाम्पल जो है ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, एक मैंने आपको कर दिया, इसके एक एक स्टेप जो है वो आपकी बुक में गिवन है। यहाँ पे बेसिकली आपकी 2 आइट्रेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। ठीक है जी, फर्स्ट आइट्रेशन एंड सेकंड आइट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी मैंने आपको रीऑर्डर बफर का हमने देखा था, मिस प्रिडिक्शन के केस में वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को फ्लश कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग गौर करें, ये आप मैंने आपको कहा था इसका जो एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है वो डाउनवर्ड है, तो हेड पॉइंटर ये है, टेल पॉइंटर लेट्स सपोज ये है, तो हेड पॉइंटर वन बाय वन कमिट करता जा रहा है। अब इस इंस्ट्रक्शन ने कमिट करना है, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन कमिट करेगी, करते करते ये हेड पॉइंटर इस ब्रांच इंस्ट्रक्शन में जब पहुंचेगा ना, इस ब्रांच इंस्ट्रक्शन में जब हेड पॉइंटर गया, तो आपने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि आपकी प्रिडिक्शन की बेस में आपने मजीद इंस्ट्रक्शन को स्पेकुलेटिवली आप उसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं, ये सब की सब इंस्ट्रक्शन राइट रिजल्ट में, सब की सब इंस्ट्रक्शन राइट रिजल्ट में आप इसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी भी इंस्ट्रक्शन ने इन रजिस्टर फाइल्स को अपडेट नहीं किया हुआ। ठीक है जी, रजिस्टर फाइल्स को इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ, यहाँ पे जो एफ नोट है इट इज़ बिजी, बाकी रजिस्टर्स जो है इसमें से एफ फोर भी बिजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ फोर इज़ बिजी, इसमें से किसी ने राइट नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे अगर आपकी ब्रांच जो है वो मिस प्रिडिक्शन होती है, आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग होती है, तो क्या होगा, आपकी सब इंस्ट्रक्शन जो इसके बाद की हैं वो फ्लश हो जाएंगी, आपका हेड और टेल पॉइंटर इस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू कर देगा, और फिर बेस्ड ऑन योर ब्रांच, जो भी पाथ आपने ब्रांच का पाथ अडॉप्ट किया है उसकी बेस पे आप न्यू इंस्ट्रक्शंस को इस अपनी एग्जीक्यूशन को रीस्टार्ट करेंगे और उनको फिर एग्जीक्यूट करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है जी, तो अगेन यहाँ पे आपने स्पेकुलेटिवली इन सब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया हुआ है, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ है, ये सब की सब बेसिकली यहाँ पे राइट रिजल्ट लिखा हुआ है, बेसिकली दे आर वेटिंग फॉर कमिट, ये सब इंस्ट्रक्शंस कमिट करने को वेट कर रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर देखा आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई है, तो आपने इन सब एंट्रीज को फ्लश किया और आपने एग्जीक्यूशन को रीस्टार्ट किया, और जो भी पाथ आपका डिजायर्ड पाथ है, जो भी आपका एक्चुअल पाथ है, वहां से आपने एग्जीक्यूशन को दोबारा से रीस्टार्ट किया। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन थॉमस सुलो एल्गोरिदम की तरह भी इस हार्डवेयर पे स्पेकुलेशन की ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है उसका, इसको आप अपने तौर पे देख सकते हैं, सिंपल सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो कुछ छोटे से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, बल्कि छोटे नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये जो हार्डवेयर पे स्पेकुलेशन है इन ऑर्डर कमिट की वजह से इट एलिमिनेट्स ऑल कंट्रोल हैजर्ड स्टॉल्स, ये इसका सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन का। ठीक है जी, डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर, रीऑर्डर बफर आपको चाहिए, अगर हार्डवेयर ज़्यादा है तो यस आपको रिक्वायर्ड पावर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी आपकी भर जाएंगी, रिक्वायरमेंट जो हैं पावर रिक्वायरमेंट्स वो भी आपकी भर जाएंगी। ठीक है जी, और परफॉर्मेंस रिडक्शन,
उसकी वजह क्या है, एक तो आप इन ऑर्डर कमिट कर रहे हैं, इन ऑर्डर कमिट कर रहे हैं, और जो मिस प्रिडिक्शन है, अगर आपका मिस प्रिडिक्शन रेट बहुत हाई है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए अगर आप हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन रिड्यूस कर रहे हैं तो बेस्ट ब्रांच प्रिडिक्शन स्कीम्स आप यूज़ करें, वो स्कीम्स यूज़ करें जिसका मिस प्रिडिक्शन रेट लोएस्ट है, ठीक है जी। क्योंकि अगर ये मिस प्रिडिक्शन रेट आपका हाई होगा तो यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लश करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके आगे बेसिकली आप लोग देख सकते हैं ये जो आपके थॉमस सुलो एल्गोरिथम के अंदर आपके मैं आपको पीछे एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से, ये जो आप थॉमस सुलो एल्गोरिथम है और हार्डवेयर में स्पेकुलेशन है, इसमें आप नंबर ऑफ रिजर्वेशन स्टेशन बढ़ा दें, रीऑर्डर बफर का साइज बड़ा कर दें, तो आप एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि थॉमस सुलो एल्गोरिथम को इस स्कीम की वजह से अवार्ड भी मिला था, ठीक है, साइंटिस्ट को। तो बेसिकली जब आप एक साथ बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर आप हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन यूज़ कर रहे हैं, थॉमस सुलो एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, तो आप करते ही हैं जो आजकल होता है, आपके जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनमें एक एक करके इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं होती, आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक ही साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को इशू कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह के प्रोसेसर्स को आप कहते हैं मल्टीपल इशू प्रोसेसर्स। इनकी बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक है जी सुपर स्केलर प्रोसेसर्स, इसमें आप क्या करते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को आप इशू करते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को आप इशू करते हैं, और डायनामिकली या स्टैटिकली कंपाइलर लेवल पे या हार्डवेयर लेवल पे आप इनको स्केड्यूल करते हैं। नंबर टू जो आपके मल्टीपल इशू प्रोसेसर्स हैं उनमें सेकंड टाइप है जी VLIW, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड प्रोसेसर्स। इसके अंदर आप ये करते हैं, बजाय इसके कि आप सुपर स्केलर प्रोसेसर्स की तरह मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इशू करें, आप इसमें एक ही इंस्ट्रक्शन को इशू करते हैं, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को बहुत लंबा कर देते हैं और वो एक इंस्ट्रक्शन बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, ठीक है जी। तो आजकल के जो प्रोसेसर हैं कोर i5 i7, इन ये बेसिकली सुपर स्केलर या VLIW मल्टीपल इशू प्रोसेसर हैं, ठीक है जी। ये कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं।